हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी ए प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन ऑफ सोयल मैकेनिक्स। ओके, तो फिर हम क्वेश्चन देखेंगे जो गेट 2020 में आया हुआ था सोयल मैकेनिक्स। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल पर बेस्ड पूछा गया था। और ये मॉर्निंग सेशन जो अपना चल रहा था गेट 2020, तो उसी में आया हुआ था। तो चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको परसेंटेज फाइनर देन क्वेश्चन बोला था, परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm 65%, और क्या कंटेंट में दे रखा था, और डेटा देख परसेंट फाइनर देन 75 माइक्रोन इक्वल टू द 10%। ओके, 10%। और यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू दे रखा था कितना, WL छोटा सा दिख रहा था, WL क्या होगा, लिक्विड लिमिट होगा, ये 30% दे रखा था। और यहाँ पर हमें WP जिसे कहते प्लास्टिक लिमिट, ये अपना 20% दे रखा था। और CU की अगर बात करें, CU दे रखा था हमें कितना, 8 दे रखा था। और CC कॉफिशियंट ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा था 2। और इसमें बोला था द सॉइल इज क्लासिफाइड एज, द सॉइल इज क्लासिफाइड एज। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे पहले हम इसके पीछे की थोड़ी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है, क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है, और इस डेटा को देख करके क्या आप बता पाएंगे हमारी किस टाइप की सॉइल थी। चलिए इसके ऑप्शन भी लिख लीजिए आप। ऑप्शन ए अगर देखेंगे तो SW था, और ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर था SP, और ऑप्शन सी अगर देखेंगे तो था SW SC, और ऑप्शन डी देखेंगे तो मिलेगा SP और SC। ये हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे थे और आपको इसको सॉल्व करना था। ओके, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन क्या कहेगा। आप देख रहे हैं कि 4.75 mm सीव है और यहाँ पर 75 माइक्रोन सीव है। ओके, जब हम 4.75 mm सीव की बात करते हैं तब हमें देखना होता है कि 4.75 mm की सीव हमारे पास है और हम उस पर कोई भी सोयल का फ्रैक्शन रखेंगे, सोयल का फ्रैक्शन रखेंगे और हम देखेंगे कितना पास हो रहा है। मोर देन 50% अगर पास हो रहा है, ये फाइनर देन की बात करें ना, मतलब इससे पतला है, मतलब इससे फाइन है, महीन है। जब इतना महीन हो जा रहा है ना, 65% महीन है, तो क्या कह सकते हैं यार, 50% से ज़्यादा पास हो जाएगा। ओके, और अगर 50% से कम पास हो रहा है तो क्या, 50% ज़्यादा पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, महीन होगी थोड़ी सोयल। अगर बात करें तो यहाँ पर कोर्स सोयल होगी, कोर्स सोयल में कौन सी सोयल होगी, यहाँ पर हो सकती सैंड, यहाँ पर सैंड हो सकती है। और दूसरा अगर बात करें, अगर 50% से कम होता तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोलते ग्रेवल, यहाँ पर हम बोलते ग्रेवल। तो ये जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका है 4.75 mm की सीव की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है कोर्स ग्रेंड सोयल में, कोर्स ग्रेंड सोयल में। ओके, कोर्स ग्रेंड सोयल में हम बात करते हैं। और यहाँ पर हम अगर इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर 65% फाइनर है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते, सैंड हो सकती है सर, सैंड हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में सैंड सभी में है, कोई यहाँ पर हमें नहीं मिल पा रहा तरीका। और हम दूसरी बात करें, जब हम 75 माइक्रोन की इसने बात कर दी है सर, 75 माइक्रोन की यहाँ पर इसने बात कर दी, और यहाँ पर क्या करा, परसेंट फाइनर देन यहाँ पर 10% दे रखा है ना। अगर हम 75 माइक्रोन की सीव की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखना क्या होता है, फाइनेस मॉडुलस। जब हम फाइनेस मॉडुलस कैलकुलेट करने की बात करते हैं, फाइनेस मॉडुलस इसे बोलते हैं FM, तो यहाँ पर अगर हम फाइनेस मॉडुलस देखेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है फाइनेस मॉडुलस, 10% मिल रहा है फाइनेस मॉडुलस यहाँ पर। ओके, और चलिए हम एक चीज़ और देखेंगे, हमें लिक्विड लिमिट दे रखी है और यहाँ पर प्लास्टिक लिमिट दे रखी है। जब फाइनेस मॉडुलस की बात करें, 75 माइक्रोन की सीव है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक किले की जरूर हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम किले की बात करें तो देखिए, किले हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, किले हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। ऊपर के दो ऑप्शन कट हो गए, लेकिन नीचे वाला हमें मिल रहा है, नीचे वाला भी हमारे पास दो ऑप्शन है। तो 50-50% की पॉसिबिलिटी है कि हम ऑप्शन सही कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। रुकिए, आपके पास थोड़ा और अभी कॉमन सेंस होगा, अभी आपके पास थोड़ा और कॉमन सेंस होगा। इसमें आप CU की बात करेंगे
देखिए सी यू हमें कितना दे रखा, 8 दे रखा है। सी यू हमारे पास 8 दे रखा है। अगर हम क्या देखते थे, सी यू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगी किसके लिए, सेंड के लिए, ठीक है, और सी यू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी किसके लिए, ग्रेवल के लिए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्या बता रही, फिर से ये चीज़ बता रही सेंड है, कोई बात नहीं सेंड हो गई। यहाँ से सी यू का काम ख़त्म। अब हम इस सी सी की बात करते हैं, सी सी की बात करते हैं, तो सी सी हमें क्या बताएगा, अगर हमारी काफिशियंट ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लिखते हैं काफिशियंट ऑफ कर्वेचर, अगर हमारा काफिशियंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेकर 3 के बीच है तो हम क्या बोलेंगे, कैसी सॉइल है, बेल ग्रेडेड सॉइल है, बेल ग्रेडेड सॉइल है, हमारे यहाँ पर बेल ग्रेडेड सॉइल है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि जो अपनी सेंड होगी, जो अपनी सेंड होगी, सेंड बेल ग्रेडेड होगी, तो एच डब्ल्यू यहाँ पर मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने में लग रहा है कि ये सी ऑप्शन यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किले होगी, तो चलो किले की तो बात हो गई है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ से बात करें, ये जो कुछ दे रखा डेटा हमें डब्ल्यू और डब्ल्यू पी, यहाँ से हम कैसे पता करें किले हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये दो चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ से आई थिंक आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे हम फाइनेंस मॉडल्स की बात करें, फाइनेंस मॉडल्स देखिए हमें क्या दे रखा होता है, फाइनेंस मॉडल्स क्राइटेरिया 5% दे रखा होता है, और 5 से 12% दे रखा होता है, और 12% से ज़्यादा दे रखा होता है, 5% होता है। तो यहाँ पर हम सिंगल नॉमिनेशन करते हैं, यहाँ पर डबल की बात करें, ठीक है, डबल नॉमिनेशन अगर जैसे कि यहाँ पर है, और यहाँ पर भी सिंगल होता है, तो 5 से 12 यहाँ पर 10% मिल रहा है, मतलब डबल वाले क्राइटेरिया की तरफ जाएंगे। तो चलिए हम अब एक क्लियर कर लें कि हमारे यहाँ पर सॉइल सेंड तो है, तो पता चल गया, लेकिन किले है या नहीं, सेंड हमारी यहाँ पर जो हमारी दूसरी सॉइल है वो किले है या नहीं, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। वैसे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आप बहुत ही आसानी से क्लिक कर पाएंगे। देखिए किले के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया, आपने पढ़ा होगा ए लाइन डायग्राम, इसको बोलते हैं ए लाइन डायग्राम। देखिए यहाँ पर 8% होती है, क्या इधर जाता है लिक्विड लिमिट, और इधर जाता है क्या, इधर जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी, और यहाँ पर जो 8 है, 8 से हम एक लाइन खींचेंगे, इसे बोलें यू लाइन, ठीक है, और यहाँ पर एक 20 होता है, 20 से हम एक लाइन खींचेंगे, इसे बोलें ए लाइन, ठीक है, और बीच में अगर एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर देंगे, इसे बोले 35% यहाँ पर दिखाएगा क्या लिक्विड लिमिट, और यहाँ पर एक लाइन और ड्रा कर देंगे, इसे बोले 50%। अब देखिए 35 से इधर की अगर बात करेगा, और 35 से 50 की बात करेगा, 50 से इधर की बात करेगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लो प्लास्टिक सॉइल, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे बोले इंटरमीडिएट या फिर मीडियम प्लास्टिक, यहाँ पर बोलेंगे हाई प्लास्टिक सॉइल, इसे आप लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल या मीडियम कंप्रेसिबल, यहाँ पर हाई जो है हाई कंप्रेसिबल सॉइल ही बोल सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, हमें ये पता करना है, देखिए ए लाइन के नीचे जो सॉइल होती है उसे बोलते हैं सिल्ट, और ए लाइन के ऊपर जो होती है उसे बोलते हैं क्ले। हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारी सॉइल जो है ए लाइन के ऊपर है या नीचे, ए लाइन के ऊपर है या नीचे, हम ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इसके लिए हमें निकालना होगा आईपी, इसके लिए हमें आईपी निकालना होगा। ए लाइन की आईपी का फार्मूला होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर द ए लाइन का फार्मूला होता है 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20, ठीक है, 0.73, और डब्ल्यू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और यहाँ पर 30 है, और यहाँ पर माइनस 20 करेंगे, यहाँ बचेगा कितना, 10 बचेगा, 10 में आप 0.73 करेंगे, 7.3 यहाँ पर आंसर मिलने वाला, ठीक है, ये पता चलेगा ए लाइन की आईपी का फार्मूला। और दूसरा हम देखें जो सॉइल दे रखी है, भाई ये हमारे पास सॉइल दे रखी है, पूरा सॉइल का डेटा दे रखा है, तो सॉइल की आईपी क्या है, तो सॉइल की आईपी क्या होगी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, इसमें से घटाइए 10 बचा, तो इसकी आईपी हमारी कितनी, 7.3, ए लाइन की आईपी अपनी 7.3 मिल रही है, यहाँ पर देखिए इसे 7.3 बोलेंगे, लेकिन जो अपनी सॉइल है ना, सॉइल यहाँ पर कुछ जा रही है 10 के पास जा रही है, मतलब ए लाइन से ऊपर अपनी सॉइल आ रही है, जब ए लाइन से ऊपर अपनी सॉइल आएगी इसका मतलब यहाँ पर क्या किले है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर किले वाला ऑप्शन क्लिक करना है, और बेल ग्रेड की तो हमने बात करी थी, जब अपना कॉफिशियंट कर्वेचर 1 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का, और आपको क्वेश्चन कुछ यहाँ से भी मिल सकता है, ए लाइन डायग्राम से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी तो पूछ लिया गया है कि आईपी ए लाइन की आईपी का फार्मूला का, ए लाइन डायग्राम में प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, और ए लाइन के ऊपर कौन सी सॉइल लाई करती है, कौन सी सॉइल ए लाइन के नीचे लाई करती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, थैंक यू।